दोस्तों यार, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जो बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका काम क्या है, सिंपली आपको कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। अब वो पूरा काम क्या है, कैसे, कहाँ से आपको कॉपी करना है, क्या आपको पेस्ट करना है, कैसे आपकी अर्निंग होगी, कैसे आप विड्रॉल लेंगे, वो सारी चीज़ें यार मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम में कुछ काम ढूंढ रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब सीकर। तो दोस्तों, आज मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ उस वेबसाइट का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए काम क्या होता है वो मैं आपको एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ। काम बहुत ही ईजी है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोग जो है अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, कहीं से भी आपको जो है कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ पे आपको उनका आंसर देना होता है। अब आप ये कहेंगे कि यार आंसर हमें कैसे पता होगा, हम आंसर कैसे देंगे। देखिए, अलग अलग लोगों की क्वेरीज होती है, जैसे कि आपके भी कभी क्वेरी होगी कि आपको कोई जैसे कि किसी फ़ोन के बारे में पता करना है कि ये फ़ोन कैसा है, या आपका फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया तो आप उसको बारे में पूछें, मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे उस वेबसाइट पे पुट अप करते हैं और लोग उसका आंसर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता लगा होगा उसका आंसर क्या है, तो इसका भी सिंपली आंसर है यार, आपको ऐसा नहीं है कि आपको टाइप करना है, क्योंकि अगर आप टाइप करेंगे तो हो सकता है वो आंसर गलत हो, हो सकता है कि आपको टाइप करेंगे काफ़ी लंबा समय लग जाए, तो आपको टाइप नहीं करना है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि आपको सिंपली कॉपी करना है कहीं से और पेस्ट कर देना है। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। उससे पहले यार रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे देखिए यार सब्सक्राइब का बटन है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो देर नहीं करनी है, सबसे पहले यार सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस वेबसाइट के बारे में। तो यार बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आप ही की तरह, उन्होंने मुझे बताया कि वो इस पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने भी उस वेबसाइट को सर्च किया, सर्च करने के बाद वहाँ अकाउंट बनाया और ये पाया कि यार वाकई में ये वेबसाइट जो है 100% जेन्युइन है। यहाँ पर आपको सिंपली काम करना है, काम करने के बाद आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। अब मैं क्या है पूरा प्रोसेस, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या वो ट्रिक है जहाँ से आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, वो इस वीडियो में पूरा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करा तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो मैं अब लेके चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ उस वेबसाइट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे इन पे देखिए ऑफिशियल पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉपी एंड पेस्ट वर्क है और ₹500 पर डेली आप कमा सकते हैं। इजी टाइपिंग जॉब है, अमेजन पे पेज पर आपको जो है अमाउंट मिल जाता है। वेबसाइट के बारे में देखिए पूरी चीजें दी गई हैं कि 18 साल से ऊपर के होने चाहिए अगर यहाँ पे आपको साइनअप करना है। पॉइंट्स एंड प्राइस भी यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, तो पूरी यहाँ पे डिटेल्स आपको दी गई है। अब हम सिंपली करते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक। जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपली आपको करना क्या होता है, देखिए आप भी जानते हैं कि जो है अगर आपने कभी सुना होगा कि क्वेरर ऐसी कोई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और आपको सिंपली उनका आंसर देना होता है। अब यहाँ पे देखिए आंसर देने के आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये पॉइंट्स जो है कैटेगरी अलग अलग होती है, उन पॉइंट्स को आपको जो है कैलकुलेट करके आपको जो है अर्निंग आपके अकाउंट्स में दी जाती है। सिंपली उसी की तरह हेल्प ओवल भी है जहाँ पे आपको जो है कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई पूछता है और आप उनका आंसर करते हैं। अगर आप टाइपिंग करेंगे तो देखिए काफी लंबा समय लग जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे यह बताऊंगा कि कैसे आपको जो सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करके आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे आंसर दे सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है, साइन इन और क्रिएट अकाउंट है, क्योंकि देखिए अभी हम नए हैं। सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए यूजर नेम हमें देना होगा, पासवर्ड हम देंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे सिक्योरिटी सिलेक्ट करना होगा, उसका आंसर देना होगा, फर्स्ट नेम आप डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये ईमेल एड्रेस आप डालेंगे जिसपे आपको वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप ये चीजें कर देते हैं तो सीधे देखिए आप उनके क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाते हैं, इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारा मेल, जहां पे हमारे पास क्रिएट अकाउंट का मेल आया हुआ, तो वो हम मेल चेक कर लेते हैं पहले।
तो गाइस देखिए, जैसे ही आपके पास जो मेल आता है उस पर आप सिंपली आपको मेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू लर्न मोर है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स इनकी आती है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं, जो भी आंसर आप देते हैं उसके पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट्स आपको मिलते हैं जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो हर बार मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी वहां पे अगर आंसर दे रहे हैं तो कुछ आपको नहीं मिलेगा, 100 पॉइंट्स हर बार वहां पे आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम चेक करेंगे तो सबमिट द फर्स्ट एक्सेप्टेड आंसर, मीन्स कि अगर जो आप आंसर दे रहे हैं अगर वो एक्सेप्ट हो चुका है ओवल की तरफ से तो आपको उस आंसर का 1000 पॉइंट्स मिलता है। तो सोचिए गाइस कि अगर आप एक आंसर दे रहे हैं और 1000 वहां पे आपको पॉइंट्स मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। आंसर मार्क्ड एज हेल्पफुल, अगर किसी ने उसको क्लिक करके हेल्पफुल के लिए क्लिक कराया तो वहां पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 250 पॉइंट्स मिलते हैं, 250 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप मैनुअल टेल 10 पेजेस आप कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको जो है पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो विदड्रॉल की, विदड्रॉल के लिए देखिए यहाँ पर है अमेजन गिफ्ट कार्ड पे आप विदड्रॉल ले सकते हैं, वॉलमार्ट पे, आई कार्ड पे, ज्यादातर जो यूज होता है वो अमेजन गिफ्ट कार्ड पे ही लेता है। अब यहाँ पे हम बात करें मिनिमम क्वांटिटी तो देखिए यहाँ पे $10 है कि मीन जैसे ही आपके $10 होंगे आपको वहां से आप अपने अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स नीड कि आपको जो है 50,000 पॉइंट्स चाहिए $10 के लिए, मीन्स की अगर हम बात करें $1 के लिए तो आपको कम से कम 10,000 पॉइंट्स चाहिए, वहां पे आपको 70 से 80 रुपए आपके बन जाते हैं। अब देखिए अगर हम एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कर रहे हैं तो हमारा सीधे 1000, अगर हमने 10 आंसर भी दे दिए और हमारे सबमिट हो गए तो 10 आंसर के ही हमें जो 70 से 80 रुपए मिल जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है यार, यहाँ पे आपका जो पर डे है आप आराम से 400 से 500 रुपए इजिली सिर्फ आंसर देके आप कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आंसर आपको आप देना कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा कि आंसर हमें देना कैसे है। अगर हमें यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे कोई भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं आईफोन के बारे में कि आईफोन में जो है प्रॉब्लम्स क्यों होती है, आईफोन का जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये रहा देखिए आईफोन, तो आईफोन के लिए हमने सेटवर्क कर लिया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या कैमरा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे, हमें उन क्वेश्चन का सिंपली आंसर देना है। जैसे कि ये सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, नो सर्विस फॉर्म सिम कार्ड, द नेटवर्क इज बैड, आई कैन नॉट यूज इट, फिक्स गए, नो सिग्नल, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको सिंपली उन पे आंसर पे क्लिक करना है। जब आप आंसर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आ जाएगा, नो सर्विस फॉर सिम कार्ड। अगर आप इसका आंसर जानते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको याहू खोलना है, जैसे कि ये खुल गया याहू, इसमें आपको सिंपली पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो इससे रिलेटेड जो भी आंसर होंगे देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आपको उसमें से कोई सा भी एक आंसर सिलेक्ट कर लेना है। ये रहा, जैसे कि हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे जो आंसर होगा उसको हमको सीधे सिंपली वहां पे सबमिट कर देना है। जैसे कि ये खुल गया, अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जब आपके पास नेटवर्क सिग्नल में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या क्या करते हैं, तो इसको हमने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये रहा, कंट्रोल सी कर देना है और इसको हमको जो वहां पे जहां पे हमें आंसर देना था हमको वहां पे सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। आई नो द आंसर पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए इसको हम पेस्ट कर देंगे, ऑल्ट कर लिया, यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, थोड़े चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये है इसको हमने इटैलिक कर दिया, ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम नीचे आएंगे और इसको कर देंगे हम सबमिट पे आंसर पे क्लिक। तो सिंपली ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है यार, इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आपका आंसर चला जाएगा तो वहां पे फिर आपके पास जो है आपके पॉइंट्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिस आंसर इज एक्सेप्टेड बाय द पोस्ट ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चंस, 1100 पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे आंसर जो एक्सेप्ट हो चुका है और 1100 पॉइंट्स यहाँ पे मिल भी चुके हैं। तो इसी तरह से यार आप भी यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कोई भी आप सर्च कर लीजिए कि क्या सर्च है यहाँ पे, किस बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, सारी चीजों की देखिए डिटेल्स मिल जाती है। आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह गाइस बहुत ही अच्छी वेबसाइट है यार, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, आपको सिंपली आंसर देना है। तो मैंने कवर अप की है सारी चीजें, अगर फिर भी कोई इशू आए, कहीं पे कोई चीज समझ में ना आए तो यार आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहां से आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी जो है जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कर सकूं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल अर्न पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें कि रिडीम माई पॉइंट्स के, हमें अब जो आप रिडीम करना है तो उसके लिए टोटल पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए जाएंगे, पॉइंट्स ऑलरेडी रिडीम कितना हम ले चुके हैं, अवेलेबल पॉइंट्स कितना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल्स में अकाउंट्स में दिख जाएंगी आपके, वो यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी यार मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू गाइज। तो गाइज आपने देखा कैसे मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है, कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको वहाँ से अमाउंट लेना है, पॉइंट्स बनाने हैं, विड्रॉल करना है, सारा कुछ यार इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। फिर भी कहीं कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं वहाँ से आपकी हर बात का रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पे देखिए आपको वेट करना है, जब आप आंसर कर देंगे तो आपको वेट करना है उस आंसर के एक्सेप्ट होने के लिए। जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा वहाँ पे आपको जो है अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।